कल ही इनफैक्ट यहाँ पे पहुँचा हूँ कोयटा में। चार्ज तो मैंने ले लिया था 3-4 दिन पहले। कोयटा कल दोपहर को पहुँचा हूँ 12 बजे। आते ही 3-4 महकमों की ब्रीफिंग्स की हैं और रात को सिटी का पूरा राउंड लगाया, और आज भी सुबह से कोयटा के राउंड पे था ताकि देख लूँ कि कोयटा की हालत क्या है और जो इम्प्रूवमेंट्स हमारे कैपिटल शहर में हो सकती हैं ज़रूर होनी चाहिए। और अभी हॉस्पिटल का राउंड किया और इसमें भी ऑब्ज़र्व किया कि खासी मशीनरी, इक्विपमेंट और कुछ स्टाफ की कमी है, जिसको हम एमरजेंसी बेसिस पे लेंगे। सेक्टर साहब मेरे साथ हैं, इनको हम 3-4 दिन में इंशाल्लाह प्रोग्रेस दिखाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ हमें देखनी है, आपकी इनविटेशन पे हम सिविल हॉस्पिटल आए, यहाँ हमारा दाखिला ऑलमोस्ट, हमें पता है किस तरह की सिचुएशन है, लेकिन यहाँ जैसे मसाइल आपने खुद देखे, बहुत सारे मसाइल हैं। जब हम अंदर गए तो हमें बाहर निकाल दिया कि चीफ साहब सेक्टर साहब आएंगे तो बाहर ही बात करेंगे, आप उनकी भी जरूर कवर नहीं करेंगे। तो आप अपने जो ऑफिशियल मीडिया था तो आप उसी तौर का ले लेते, इतना मिसबिहेव डर। मैं बताता हूँ उसमें, एक तो बड़ी माजरत अगर आपको यहाँ पे कोई ज़हमत हुई है तो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, लेकिन आपकी बात ये दुरुस्त है कि एक सरकारी मीडिया अंदर जाके पूरी कवरेज लेके आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, आइंदा हम यही करेंगे। हॉस्पिटल की हालत देखना प्राइमरी एक टास्क था, क्योंकि अगर इंसानी जान की कदर कीमत नहीं है और इंसानी जान की देखभाल नहीं है तो बाकी चीज़ें तो फिर सेकेंडरी रह जाती हैं। तो इसलिए आप ये देखेंगे, कल मैं आया हूँ, आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, इसी तरह हम छोटे हॉस्पिटल्स का भी राउंड करेंगे और जो जो कमियां हैं इंशाल्लाह यहाँ कोयटा में पूरी होंगी, पूरे बलोचिस्तान में। जो मसाइल हैं इदारों में सबसे ज़्यादा, चाहे हेल्थ है या कुछ कोई और इदारा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मसाइल उन लोग उन मुलाजमीन की वजह से होते हैं जो गैर हाजिर होते हैं, जो जिनका कंडक्ट ठीक नहीं होता, और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो सिफारिश में भर्ती होते हैं या पैसे दे के भर्ती होते हैं, उनके पास अप्रोच होता है। इस चीज़ को कैसे आप काउंटर करेंगे बलोचिस्तान में? ये हाज़िरी यकीनी बनानी चाहिए, जितने भी इदारों के हेड हैं वो देखें अपना स्टाफ ऑफिसर सारे टाइम पे आएँ और कोई गैर हाजिरी ना हो, और जो गैर हाजिर होता है और घर बैठ के तनख्वाह लेता है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं और उसको नौकरी करने का कोई हक नहीं है। सर ये मेरिट की बात है। बिल्कुल मेरिट की बात है, आपको पता ही है पीटीआई के इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, पूरे पाकिस्तान में मेरिट प्रिवेल कर रहे हैं, तो जितनी आइंदा भी भर्तियाँ होंगी मेरिट पर होनी चाहिए और जो एनरोल हुए हुए हैं उनको अपनी मेहनत से दयानदारी से काम करना चाहिए। हाँ, मैंने अभी ये ट्रॉमा सेंटर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी SNA नहीं मंजूर हुई, इसमें स्टाफ कोई नहीं है, इसका बजट कोई नहीं है, तो एम्बुलेंस की पता नहीं क्या हालात हैं, वो भी देखनी पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यकीन रखें कि ये सारी चीज़ें हम बड़े प्रायोरिटी बेसिस पे टेकअप करेंगे, और हेल्थ एजुकेशन इसको तो टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए, और आप देखते हैं इमरान खान साहब का भी, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही एम्फेसिस है, हमारे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का भी बहुत विजनरी हैं, उनका भी यही एम्फेसिस है कि एजुकेशन हेल्थ पे बड़ा जोर देना, और इंशाल्लाह आप देखेंगे हम बड़ी तेज़ी से काम करेंगे। सर बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं, बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं जिससे बहुत कलील पैसों से हल किया जा सकता है। हमारे सामने लेबॉरेटरी मौजूद है, ऑलमोस्ट साल हो रहा है वहाँ पे ब्लड बैग्स नहीं है, अस्पताल में व्हीलचेयर्स की कमी है, एक व्हीलचेयर के लिए हमें MS और DMS को कॉल करनी पड़ती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आवाम को रिलीफ दे सकती है। अब इंशाल्लाह हम माइक्रो मैनेजमेंट में भी, अगर मुझे जाना पड़ा जो कि मेरा काम नहीं है, मैं उसमें भी जाऊँगा और आपकी हर सहूलतियाँ पूरी होगी। मैं तो ये इनको कह रहा था कि ये तो किसी के साथ भी कोई वाक्या पेश आ सकता है, मेरे साथ, आपके साथ, अगर ये हेल्थ फैसिलिटीज ही हमारी ठीक नहीं है तो फिर आगे क्या काम चलेगा। तो इंशाल्लाह आप तसल्ली रखें, सारे काम एजुकेशन के जो काम हो रहा है, तो जो आला अफसरान है वो इन फैक्ट्रियों को भी तबादले के चक्कर में है, मेरे ख्याल शायद आपसे अभी करवा भी लें, तो फिर आप किस तरीके से उसको मेरिट पे रखेंगे? नहीं, एक तो बात यह है कि जो ऑफिसर पोस्ट हो उसका कोई टेन्योर सिक्योर होना चाहिए ताकि वो अपनी कारकर्दगी दिखा तो सके, तो लेकिन जिसने इनएफिशिएंसी दिखाई और जिसने काम सही ना किया, मेहनत से ना किया, तो फिर उसकी तब्दीली को सोचना पड़ता है। सर, CM साहब ने एक आला इख्तियारी कमेटी बनाई है शहर के लिए कि रश बहुत ज़्यादा हो गया है, जो लिंक रोड्स हैं वहाँ तजारती मराकज़ काम किए जाएंगे। शहर में हम ये देख रहे हैं जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ इमारतें बढ़ रही हैं और बिल्डिंग कोड का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कल रात भी मैं 3 घंटे शहर में फिरा हूँ और आज सुबह से भी मैं अभी तक राउंड पर ही था, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, एनक्रोचमेंट्स का प्रॉब्लम है, गंदगी का प्रॉब्लम है, मतलब सफाई का प्रॉब्लम है, सफाई नहीं हो रही और हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें, आज मुझे दूसरा दिन है, ये सारी चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ, अपने जेहन में बिठा रहा हूँ, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इन एवेन्यूज़ पर काम करेंगे
میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں کمشنر کوئٹہ نے خاصا کام کیا ہوا ہے، روڈز کلین ہو گئی ہیں، فٹ پاتھس بن گئی ہیں کافی حد تک، لیکن کچھ ایسے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں کام ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ وہاں بھی ہوگا، کیونکہ جو تھوڑا سا رورل ٹچ دینے والے ایریاز ہیں ان کا بھی تو حق ہے کہ ان کو فیسلٹیز ملنی چاہیے، ان کو بھی یوٹیلیٹیز پاس ہونا چاہیے، ان کو بھی روڈز ملنی چاہیے، تو انشاءاللہ ہم ادھر بھی ڈیولپمنٹ کریں گے۔ بے بنیاد ہے، اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، بس ایسی 10-12 سال پہلے کوئی کمپلینٹ تھی، اس کی انکوائری ہوئی، وہ سیٹل ہو گئی، کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی، تو اب تو 10-12 سال ہو گئے ہیں، خام خواہ کی اس طرح کی باتیں نہیں آنی چاہیے، بلکہ آپ سب کو مجھے ذرا ہمت حوصلہ دینا چاہیے تاکہ میں کام کر سکوں۔ کس میں مطلب آپ کو تبدیلی آ گئی ہے؟ انشاءاللہ اب کوئٹہ میں تبدیلی دیکھیں گے، بلوچستان میں تبدیلی دیکھیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔